महाराष्ट्र के पुणे अहमदनगर राजमार्ग पर एक कार और बस की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 25 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने सोमवार को ये जानकारी दी है। पुलिस के मुताबिक यह हादसा रविवार देर रात शिकारपुर के पास हुआ है, जब एक निजी बस अहमदनगर से जा रही थी। शिकारपुर पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया है कि कार चालक ने अपना नियंत्रण खो दिया, जिसके परिणाम स्वरूप कार सड़क के डिवाइडर को पार कर राजमार्ग पर विपरीत लेन में आ गई थी। पुलिस अधिकारी ने इसके आगे बताया कि तेज रफ्तार कार के चपेट में आने के बाद बस सड़क से फिसलकर राजमार्ग के किनारे एक रेस्टोरेंट के खुले हुए स्थान में खड़ी कुछ कारों से जा टकराई। इस हादसे में कार चालक की मौत हो गई, वहीं 25 यात्री जो कि बस में सवार थे उनको गंभीर चोटें आई हैं। उन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया है। पुलिस के मुताबिक इस मामले में FIR दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पोस्ट न्यूज़।